हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल एक्सरसाइज है ये। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिगर जो है ये, इसमें पीएस इज अ बाइसेक्टर, यानी ये जो है पीएस ये क्या है, बाइसेक्टर, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, पीएस बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का, तो हमें प्रूव करना है कि QS अपॉन SR इक्वल है PQ अपॉन PR। ठीक है, तो देखो भाई, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। QS अपॉन SR जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है, इसमें पूरा सिलेबस आता है भाई। तो QS अपॉन SR, अगर मान लो यहां पे एक पैरेलल लाइन हो, ठीक है, यहां पे एक पैरेलल लाइन हो, तो QS अपॉन SR और QP अपॉन P जो भी हम रखें वो हो सकता है। ठीक है, तो हम पहले वो करते हैं। देखो भाई, हम इसके एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ये मिल गई यहां पे। ठीक है, ये हमने एक्सटेंड कर दिया और ये मिल गई यहां पे। इसका हम कुछ भी नाम रख देते हैं, हमने रख दिया टी। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, QS अपॉन SR इक्वल टू QP अपॉन PT, और PT को अगर हम PR के इक्वल प्रूव कर दें तो PT की जगह PR पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मतलब प्रूव करना पड़ेगा कि ये इक्वल्स हैं या नहीं है, या पैरेलल हैं या नहीं है। तो देखो भाई, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं RT, ठीक है, विच मेड QP प्रोड्यूस एट T। ठीक है, सबसे पहले हमने RT कंस्ट्रक्ट की और QP को प्रोड्यूस करके T में मैच कर दिया। ठीक है, और ये किस तरह से, ये इस तरह से है कि SP जो है वो पैरेलल होगी RT की, इस तरह से कंस्ट्रक्ट की हमने। ठीक है, SP पैरेलल होगी RT। अब देखो भाई, अब एंगल QPS और इक्वल है एंगल QPS इक्वल एंगल SPR के। ठीक है, गिवन दिया हुआ है, कैसे, क्योंकि PS बाइसेक्टर है। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया हमारा एंगल SPR, SPR इक्वल आ गया PRT के। देखो, SPR ये वाला एंगल इक्वल आ गया PRT के, क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा जो है एंगल, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लिया और इसको 3, पैरेलल लाइन है, और ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, एंगल 2 और 3। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट करा था, क्या कंस्ट्रक्ट किया था, SP जो है वो पैरेलल है RT के। ठीक है, तो यानी कंस्ट्रक्शन से प्रूव हो गया। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दिखाते हैं एंगल QPS ये वाला एंगल 1। अब ये और ये पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल यानी 1 के और 3, एंगल 1 और एंगल 3 यानी एंगल PTR। ठीक है, ये कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि SP हमने कंस्ट्रक्ट किए RT के। तो देखो 3 एंगल हो गए। ठीक है, ये इसके और ये इसके, ये दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल जो है वो थर्ड के इक्वल आ गया, और जो सेकंड एंगल है वो भी थर्ड के इक्वल आ गया। तो देखो, अगर फर्स्ट और सेकंड मतलब ये इक्वल आ गए आपस में, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो भाई PT है ना, ये PT है, देखो थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हम फोर्थ ले लेते हैं, सॉरी। तो देखो फर्स्ट एंगल फोर्थ के इक्वल आ गया। ठीक है, और सेकंड है वो थर्ड के इक्वल, और फर्स्ट और सेकंड आपस में इक्वल है। देखो एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के। ठीक है, और एंगल 3 है वो इक्वल आ जाएगा एंगल 2 के। ठीक है,
और एंगल 1 है वो इक्वल आ गया एंगल 4 के। ठीक है, देखो 1 2 क्यों है, क्योंकि बाई सेक्टर है। 1 और 4 क्यों है, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल है। और 3 और 2 इक्वल क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अगर हम इन सभी को लेंगे तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि एंगल 4 और एंगल 3 भी इक्वल है। ठीक है, एंगल 4 और 3 इक्वल है क्योंकि ये 1 के इक्वल है और इधर ये 3 2 के और 2 1 के है, यानी 3 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे। 3 और 4 इक्वल होंगे तो ये साइड और ये साइड इक्वल आ जाएगी। कौन कौन सी, पी आर इक्वल आ जाएगी पी टी के, समझे। पी आर किसके इक्वल आ जाएगी, पी टी के। अब देखो भाई, मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में की थी ना हमने क्यू एस अपॉन एस आर, और ये पैरेलल लाइन है तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू पी अपॉन पी टी। ठीक है, और पी टी हमारा है पी आर के, तो हम इसको चेंज कर देंगे क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी टी की जगह क्या कर देंगे पी आर। ये हो गया हमारा प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे देखो, देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें फिगर दिया हुआ है, बोला डी इज अ पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज। डी एक पॉइंट है हाइपोटेन्यूज पे, ए सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और डीएम जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे, ये यहां पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड डीएन ये परपेंडिकुलर है इधर, तो प्रूव दैट डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू डीएन अपॉन एमसी। तो देखो डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू डीएन अपॉन एमसी। ठीक है, तो देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है। पहले तो हमें ये प्रूव करना है ये रेक्टेंगल है। ठीक है, कैसे रेक्टेंगल है, देखो 90 डिग्री है एक एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री है, तो एडजेसेंट एंगल कितने हो गए बाकी बचे हुए, इन दोनों का सम भी कितना कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो पैरेलोग्राम हो गए, पैरेलोग्राम के एडजेसेंट एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री पे खड़ा है और इधर ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेक्टेंगल। अब हम क्या करेंगे, अब हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक तो डीएमसी और एक लेंगे बीडीएम, ये वाली और ये वाली। मैं इससे पहले इनके नाम रख देता हूं भाई, मैं इसका रख देता हूं एंगल 1, इसका रख देता हूं एंगल 2, इसका रख देता हूं एंगल 3, इसका रख देता हूं एंगल 4। ठीक है, तो देखो भाई इसमें है ना कैसे सोल्व करना है, जैसे एंगल 1 है उसको प्रूव करेंगे हम एंगल 3 के इक्वल पहले। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर बनाया हमने इधर। ठीक है, और फिर वापस से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल डीएमसी ये इधर वाला कितना हो गया 180 डिग्री, और डीएमसी ये 90 डिग्री है। ठीक है ना, 90 डिग्री है, तो एंगल 1 प्लस 2 कितना बच गया 180 माइनस डीएमसी, 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ गया 90 डिग्री। अब देखो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, तो 2 से तो 2 कट जाएगा और एंगल 1 इक्वल आ गया एंगल 3 के। ठीक है, अब एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल आ गया और एक एक राइट एंगल है दोनों में, तो एंगल सी एम डी इक्वल है एंगल बी एम डी 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो डी एम डी सी एम डी सी एम और सिमिलर आ गई किसके, ट्रायंगल बी डी एम के। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो भाई हम ऐसे लिख सकते हैं बी एम अपॉन डी एम और इक्वल टू डी एम अपॉन एम सी। ठीक है,
क्या लिख सकते हैं, बी एम अपॉन डी एम। भाई इस ट्रायंगल में से हमने ये ले लिया और इस ट्रायंगल में से डी एम, बी एम अपॉन डी एम और इक्वल टू डी एम ये वाला अपॉन एम सी, ठीक है लिख लिया। अब देखो हमें एम सी चाहिए, ठीक है, और डी एम चाहिए, तो डी एम और डी एम तो आ गया, एम सी आ गया, बी एम की जगह में क्या चाहिए, डी एम, बी एम है ना, बी एम को चेंज करना है डी एम में। अब बी एम और डी एम चेंज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये देखो रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, एम बी इक्वल है डी एन के, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी इंटू बी एम, और बी एम को चेंज कर देंगे हम डी एन में, तो डी एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी इंटू बी, बी एम को चेंज करेंगे हम डी एन में। ठीक है, यही आ गया, यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया हमारे इस ट्रायंगल का, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड था। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखिए भाई इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, हम ले लेते हैं ट्रायंगल डी बी एन और ए डी एन। ठीक है, तो देखो इसमें भी वैसे ही सिमिलर प्रूव कर देंगे पहले इनको। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर प्रूव कर देंगे, और सिमिलर प्रूव करेंगे तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से, तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए एन अपॉन डी एन इक्वल टू डी एन अपॉन एन बी। ठीक है, एन बी लिख सकते हैं, और एन बी, एन बी किसके इक्वल है, देखो भाई डी एम के, एन बी किसके इक्वल है, डी एम के, देखो एक बार दिखा देता हूं, एन बी और किसके इक्वल है, डी एम के, रेक्टेंगल है ना, तो इसमें हम चेंज कर देंगे एन बी की जगह डी एम की जगह एन बी, तो वैसे ही डी एन स्क्वायर और इजिकल टू एन बी की जगह हम लिख देंगे डी एम और ए एन। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, लुक एट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन फिगर ए बी सी, ए बी सी एक फिगर दिया हुआ है हमें। ठीक है, ट्रायंगल इन विच ए बी सी इज 90 डिग्री, ये वाला देखो ए बी सी 90 डिग्री है, एंड ए डी परपेंडिकुलर है सी बी, अगर सी बी को प्रोड्यूस करते तो ए डी परपेंडिकुलर बन रहा है, प्रूव दैट ए सी स्क्वायर, हमें प्रूव करना है ए सी स्क्वायर जो है वो इक्वल आएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू बी सी और बी डी, ये वाला। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सिंपल फंडा है, दो बार पाइथागोरस थ्योरम का इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में भी देखो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। ठीक है, बस इसका काम खत्म, अब ये रिजल्ट यूज होगा बस, और कुछ काम नहीं। अब बड़े वाले ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ए डी सी, तो ए डी सी में क्या कर सकते हैं हम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, डी सी को हम चेंज करेंगे डी बी प्लस बी सी में, देखो भाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी को चेंज करना है डी बी प्लस बी सी में, तो डी बी प्लस बी सी में इसका स्क्वायर कर दिया। अब ए डी स्क्वायर और इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, अब देखो ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर की जगह हम ए बी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ठीक है, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ए डी, एक मिनट भाई, यानी इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो देखो भाई हमने इधर पुट कर दिया ए बी स्क्वायर, अब बाकी क्या बच गया, बी सी स्क्वायर प्लस टू बी सी इंटू बी डी, और उधर क्या आ गया, ए सी स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, दो बार पाइथागोरस थ्योरम यूज की, एक बार इसमें और एक बार बड़े वाली थ्योरम उसमें ट्रायंगल में, और फिर इसका रिजल्ट बड़े वाली में पुट कर दिया और दैट सॉल्व। ठीक है, तो लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर फोर, लुक एट क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी,
जैसा थर्ड था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी दो बार हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, इस वाली ट्रायंगल में ए बी डी, तो ए बी डी में क्या करेंगे हम, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू सॉरी बी डी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहां से हम ए डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इस इक्वेशन में इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल में क्या करेंगे, देखो भाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर है ना, ए डी स्क्वायर दोनों में था, देखो यहां तो ए डी स्क्वायर की ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी की जहां क्या पुट किया हमने, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर और डी सी, ये रहा हमारा डी सी, डी सी को हम लिख सकते हैं बी सी माइनस बी डी। ठीक है, हमने लिख दिया इसको बी सी माइनस बी डी, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करेंगे बस और कुछ नहीं, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, बी डी से बी डी कट गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू बी डी और इक्वल आ गया ये ए सी स्क्वायर के। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे, लुक एट क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कोई हो ही नहीं सकता। तो देखो, इन फिगर एडी इज अ मिडेन, एडी क्या है भाई, मिडेन है, मिडेन है, इसका मतलब क्या हो गया, एडी इक्वल है डीसी के, मतलब सॉरी एडी नहीं, बीडी इक्वल है डीसी के। ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, एएम परपेंडिकुलर है बीसी पे, एएम जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे। तो हमें प्रूव करना है ये वाला, पहले फर्स्ट रिजल्ट देखते हैं भाई। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम एएमडी, ये वाली फर्स्ट वाली ट्रायंगल। ठीक है, फिर दूसरी कौन सी लेंगे, फिर लेंगे एएमसी, एएमसी यानी बड़े वाली ट्रायंगल। ठीक है, ये दो ट्रायंगल लेते हैं और इनमें पाइथागोरस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम एएमडी यूज करते हैं और एएमडी में से हम रिजल्ट निकालते हैं। तो हमारा पहला रिजल्ट आता है एडी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा एएम स्क्वायर प्लस एमडी स्क्वायर, ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है भाई, अब हम सेकंड थ्योरम यूज करते हैं, ये कौन सी ट्रायंगल थी, ट्रायंगल एडीएम, ठीक है, यानी फर्स्ट वाली। अब इन ट्रायंगल एएमसी, एएमसी में क्या किया हमने, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एएम स्क्वायर प्लस एमसी स्क्वायर। ठीक है, एएम स्क्वायर प्लस एमसी स्क्वायर। ठीक है, अब हम एमसी को चेंज कर लेते हैं, एमसी को एमडी प्लस डीसी में, क्यों, क्योंकि एमडी की वैल्यू यहां से पुट करेंगे। तो देखो भाई, एएम स्क्वायर ऐसे का ऐसा और एमसी को हमने चेंज कर दिया एमडी प्लस डीसी होल स्क्वायर। अब देखो भाई, एएम स्क्वायर प्लस इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू एमडी इंटू डीसी, इतना है समझ में, एमडी इंटू डीसी। अब देखो भाई, अब हमारा ये रिजल्ट देखो आप, एएम और एमडी स्क्वायर, एएम और एमडी स्क्वायर सेम है, तो इसकी जगह क्या है एडी स्क्वायर, तो हम एडी स्क्वायर यहां से इधर पुट कर देते हैं इनकी जगह। ठीक है, क्या क्या हमने एडी स्क्वायर फर्स्ट रिजल्ट में से, एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर प्लस टू एमडी इंटू डीसी। ठीक है, और इस साइड में हमारा एसी स्क्वायर, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, तो सारा क्वेश्चन ही समझ में आ गया। अब डीसी देखो, डीसी डीसी और बीडी इक्वल है, डीसी और बीडी इक्वल, तो हम डीसी को बीसी बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया भाई एडी स्क्वायर ऐसे का ऐसा और डीसी को हमने लिख दिया बीसी डिवाइड बाई टू इसका होल स्क्वायर प्लस टू एमडी, और फिर वापस से डीसी आ गया, डीसी को हम लिखेंगे बीसी बाई टू, बीसी बाई टू, टू से टू कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी डिवाइड बाई टू इसका होल स्क्वायर प्लस एम डी इंटू बी सी, ये आ गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट, ये रिजल्ट प्रूव हो गया। अब हम करते हैं
इसका सेकंड क्वेश्चन या सेकंड पार्ट। ठीक है, तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब फिफ्थ का देखिए भाई सेकंड पार्ट में देखो भाई ये वाला प्रूव करना है हमें ए बी स्क्वायर और ये। ठीक है, तो हम इसमें लेंगे कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी और एम। टेक्स्ट बुक खोल लो भाई, डायग्राम बार बार दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। ए बी एम, देखो ये ट्रायंगल ले ली ए बी एम। ठीक है, अब ए बी एम में हम क्या करते हैं, ए एम स्क्वायर पहले ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, ये पुट कर दिया इस ट्रायंगल में, पाइथागोरस यूज कर दिया। अब ए एम स्क्वायर की जगह हम ये भी तो पुट कर सकते हैं ना, ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, ए एम जो स्क्वायर है उसमें से ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर कर सकते हैं। तो ए एम की जगह हम ये पुट करते हैं, ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर। अब एम बी, एम बी ये रहा, एम बी को हम क्या लिखते हैं, एम बी को हम लिख देते हैं बी डी माइनस एम बी था ना, तो एम डी लिख देते हैं एम डी। ठीक है, बी डी माइनस एम डी ये पुट कर दिया। अब आगे देखो, इधर है हमारा ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहां से और ये वाली वैल्यू यहां से। ठीक है, अब देखो भाई ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, इसका आइडेंटिटी खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी खोल दी। अब देखो कुछ सॉल्व हो रहा है आपस में, ए डी कहीं नहीं है, एम डी और एम डी ये प्लस माइनस के इनको काट देते हैं। ठीक है, अब हम वापस लिखते हैं ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस टू बी डी इन टू एम डी। अब हमें क्या चाहिए, देखो ए डी स्क्वायर है और बी डी और एम डी, एम डी तो है और बी डी की जगह चेंज करना है बी सी में, और यहां भी बी डी है, बी डी को भी चेंज करना है बी सी में, तो यानी इन दोनों को चेंज करना है। अब बी डी देखो कहां है, ये रहा बी डी, बी डी को किस में चेंज करना है हमारे को, बी सी में। तो बी डी और बी सी, सॉरी बी डी और बी सी कितना है, बी डी हाफ है बी सी का, चेंज कर दें बी डी को। तो देखो भी ए डी स्क्वायर प्लस बी डी को किस में चेंज कर दिया, हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस टू बी डी को चेंज किया, हाफ ऑफ बी सी इन टू एम डी, हाफ से हाफ कट गया, ये आ गया हमारा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी बाई टू इसका स्क्वायर और माइनस बी सी इन टू डी एम, ये हमें प्रूव करना था भाई। ठीक है, ए बी स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट प्रूव। ठीक है, अब देखिए इसका थर्ड पार्ट भाई, देखो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड फिफ्थ का थर्ड पार्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, तो देखो इसमें हम दो बार ट्रायंगल ले लेते हैं, एक बार तो लेते हैं ए बी एम और एक बार लेते हैं ए एम सी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी एम, ठीक है, और दूसरी कौन सी लेते हैं, इन ट्रायंगल ए एम सी। ठीक है, ए बी एम और ए एम सी दोनों में पाइथागोरस का यूज कर देते हैं। पाइथागोरस का यूज करेंगे तो देखो भाई इधर आ जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। ठीक है, और उधर हो गया हमारा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसको किसी भी साइड लिख सकते हैं, इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो। ठीक है, अब ये कर लिया हमने। अब देखो इसमें ए एम स्क्वायर और ए एम स्क्वायर दो बार है, तो हमने लिख दिया टू टाइम ए एम स्क्वायर। फिर एम बी स्क्वायर, एम बी को देखो हम चेंज कर देंगे, एम बी को चेंज करते हैं बी डी माइनस एम डी, बी डी माइनस एम डी इसका स्क्वायर, ए एम स्क्वायर इधर जो चुका और एम बी को हमने इधर चेंज कर लिया। अब हम एम सी, एम सी को और चेंज कर लेते हैं, एम सी को किसमें करेंगे, एम डी प्लस डी सी इसका स्क्वायर, उधर हमारा है ही ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज चेंज कर ली, अब ये हो गया हमारा टू ए एम स्क्वायर। अब इसको स्प्लिट कर लो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस टू ए बी प्लस इसको कर लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, ठीक है। उस साइड का ये वाला है वो इधर लिख दो हम ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार देखो ए एम स्क्वायर हो गया और एम डी और एम डी दो बार हो गया तो इसको भी आगे लिख लो टू ए एम स्क्वायर प्लस टू एम डी स्क्वायर, लिख लिया अभी हमने टू एम स्क्वायर और टू एम डी स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी जो बचा वो लिखते जाओ प्लस बी डी स्क्वायर और फिर बच गया प्लस डी सी स्क्वायर, फिर बच गया माइनस टू बी डी इंटू एम डी और प्लस टू एम डी इंटू डी सी, ठीक है, और इक्वल टू हमारा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इतना समझ में आया, अभी इतना समझ में आया तो देखिए भाई आगे बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब देखो ए एम और एम डी, ए एम और एम डी की वैल्यू पुट करते हैं, ए एम स्क्वायर और एम डी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर लिख सकते हैं दोनों को, तो टू कॉमन ले लिया और देखो ए एम स्क्वायर और एम डी स्क्वायर तो ए डी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसकी जगह लिख दिया हमने ए डी स्क्वायर। अब हमारा बी डी स्क्वायर रह गया, ठीक है, बी डी, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो भाई बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी लिख सकते हैं, बी डी को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी सी, तो हम लिख देते हैं भाई प्लस बी डी को हमने लिखा हाफ ऑफ बी सी इसका स्क्वायर। अब देखो भाई डी सी स्क्वायर रह गया हमारा, ठीक है, डी सी क्या है, ये रहा, ये भी हाफ ऑफ बी सी है, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो टू और एम डी कॉमन निकल रहा है तो माइनस टू और एम डी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, तो अंदर एक तो बच गया बी डी और एक बच गया, अगर इधर प्लस का कॉमन लेते हैं तो टू और एम डी, तो बी डी तो रहेगा हमारा माइनस का, बी डी माइनस का रह गया और एम डी बाहर निकल गया और डी सी रह गया प्लस का, ठीक है, बी डी माइनस डी सी। अब बी डी और डी सी देखो क्या क्या है, ये बी डी है और ये डी सी है, ये दोनों ही आधे आधे हैं, डी मिड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा जीरो और ये जीरो होगा तो इस पूरे को जीरो कर देगा, इधर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब देखो भाई अगर ये जीरो हो जाता है तो ये इस पूरे को जीरो कर देगा, तो लिख दो टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी बाई टू इसका स्क्वायर। अब ये भी सेम है तो इसको टू टाइम कर देते हैं भाई और प्लस इक्वल टू क्या रह गया हमारा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो देखो भाई क्या यही प्रूव करना था हमें, टू ए डी स्क्वायर हाफ बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला टू नहीं है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भाई, ठीक है भाई, ये टू टू ए डी स्क्वायर, एक स्टेप और रह गया था टू और बी सी स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इस टू से काट दिया टू, अब आ गया हमारा पूरा सेम, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगनल्स, बोल रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगनल, इसके जो डायगनल है उसका सम, उसके स्क्वायर का सम ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है भाई, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स, और इसकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देखो भाई हम इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं ये इधर ऐसे कर देते हैं और ये इसको ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं, ये हमें कंस्ट्रक्ट करना भी, ठीक है, और एक इधर बना लेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम इनका नामकरण कर देते हैं, इसका ए ई बी सी डी और ये एफ, ठीक है। अब देखो भाई हम इसको सॉल्व करेंगे,
तो इसको मैं स्टेप्स में करूंगा ताकि आपको रिमाइंड रहे कैसे कैसे क्या क्या किया। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में देखो भाई हम क्या करते हैं, तो ये पैरेललोग्राम है ठीक है, तो ए एफ और डी ई इसके क्या है एल्टीट्यूड ले लेते हैं भाई, ए एफ और डी ई हमने एल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट कर लिए ठीक है। अब डी सी और बी, ये हमारी डी सी और ये ए बी इक्वल होगी ठीक है। एक बार हम इसके डायगनल बना देते हैं भाई, सॉरी ये हो गया इसका एक डायगनल ठीक है, और ये हो गया इसका दूसरा डायगनल, ये इसको ओ मान लो ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लेते हैं इन ट्रायंगल डी ई ई ठीक है, और इन ट्रायंगल डी ई बी ठीक है, डी ई ए और डी ई बी में दोनों में पाइथागोरस यूज कर देंगे भी। अब देखो एक बार डी ई ए कहां पे है, ये रही डी ई ए ये वाली ट्रायंगल ठीक है, और फिर डी ई बी, डी ई और बी ये बड़े वाली ठीक है, इन दोनों में पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो देखो भाई पहले वाली में क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर, और इसमें यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर ठीक है। अब देखो डी बी स्क्वायर तो हम ऐसे का ऐसा लिख देते हैं, और डी ई स्क्वायर है इसको भी ऐसे का ऐसा लिख देते हैं, और ई बी स्क्वायर है ना इसको हम लिख देते हैं ई बी को ई ए प्लस ए बी, ई ए प्लस ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं ठीक है। तो देखो ई बी है ना जो ई बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं ई ए और ए बी ठीक है। अब इसको हम स्प्लिट कर देंगे तो डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस टू ई ए इंटू ए बी ठीक है, ये हो गया। अब देखो डी ई स्क्वायर और ई ए स्क्वायर, डी ई स्क्वायर और ई ए स्क्वायर इसको हम क्या करते हैं, ये देखो यहां पे भी सेम है और ये रहा सेम, तो इसकी जगह हम ए डी स्क्वायर लिख देंगे, यहां पे हम लिखेंगे ए डी स्क्वायर ठीक है। क्या लिख देते हैं हम लिख देते हैं डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाकी ऐसे कैसा और प्लस टू ई ए और ए बी ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट, इसको हम स्टेप फर्स्ट नाम दे देते हैं भाई ठीक है, और ये हो गई हमारी इक्वेशन दूसरी। पहली कौन सी थी, पहली ये वाली, इसका यूज किया था ना हमने, फर्स्ट का यूज किया था, ये होगी दूसरी। अब हम स्टेप सेकंड देखो, स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, हम दोबारा से लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी एफ और दूसरी ट्रायंगल लेंगे ए एफ सी, तो इसमें भी पाइथागोरस यूज करेंगे, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर ठीक है। कौन सी ट्रायंगल ली हमने, ए डी एफ ठीक है, ए डी एफ कहां है हमारी, ए डी एफ ये रही, तो ए डी एफ में हमने पाइथागोरस यूज किया ए एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर ठीक है। अब ए एफ सी ले ली हमने ठीक है, ए एफ और सी ये वाली ठीक है, तो अब ये वाली ट्रायंगल ली तो इसमें भी हम पाइथागोरस का यूज करेंगे ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर ठीक है, एफ सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर और एफ सी स्क्वायर और ए एफ स्क्वायर ठीक है। तो ए सी स्क्वायर किसकी आ जाएगी, ए एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर के, तो एफ सी को अब हम चेंज कर लेंगे एक बार, तो देखो ए एफ स्क्वायर प्लस एफ सी को किस में चेंज कर सकते हैं, एफ सी को हम डी सी माइनस डी एफ में चेंज कर सकते हैं, तो हम एफ सी को चेंज करते हैं डी सी माइनस, डी सी माइनस और डी एफ इसका स्क्वायर ठीक है। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो इधर ही कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर माइनस टू डी सी इंटू डी एफ ठीक है। अब देखो अब हमने ये वाली थी हमारी थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में क्या है, ए एफ स्क्वायर और एफ डी स्क्वायर, तो ए एफ स्क्वायर और एफ डी स्क्वायर ये रहा, इसकी जगह ए डी स्क्वायर पुट करते हैं ठीक है, हमने इसकी जगह पुट कर दिया
ए डी स्क्वायर, ठीक है। ए डी स्क्वायर कहां से आ गया, इस रिजल्ट से, याद रखना भाई, ठीक है। अब ए सी स्क्वायर, ए एफ का हो गया और डी एफ का हो गया, अब क्या रह गया, डी सी स्क्वायर, और सॉरी माइनस में था, माइनस टू डी सी इंटू डी एफ, ठीक है। ए डी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर, माइनस टू डी सी और डी एफ, ये हो गया हमारा थर्ड रिजल्ट, और स्टेप हो गया टू, स्टेप हो गया टू और रिजल्ट हो गया थर्ड, थर्ड क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे तुम्हें क्या याद रखना है, हमने दो बार किया, एक बार ये वाला काम किया इस ट्रायंगल में, ठीक है, और एक बार ये वाला किया इन दो ट्रायंगल में, एक बार इन दो में और एक बार इन दोनों में, ठीक है, ये कर लिया। अब हमारा स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में इधर कर रहा हूं देखो भी, ठीक है, इधर करते हैं हम स्टेप थर्ड, दो स्टेप हो गए, और स्टेप थर्ड में देखो भी, अब स्टेप थर्ड ए बी सी डी है ना, वो एक पैरेललोग्राम है, क्या है भाई, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, ए बी जो है वो इक्वल होगा सी डी के, और बी सी जो है वो इक्वल होगा ए डी के, ठीक है। ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, और ए डी बी सी के, ये आपस में इक्वल होंगे भाई। अब देखो ये इक्वल होंगे तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक बार करते हैं वापस से इन ट्रायंगल डी ई ए और ट्रायंगल ए डी एफ, डी ई ए देखो कहां है भाई, डी ई ए ये वाली, और ए डी एफ, ए डी एफ इन दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम क्या करेंगे, एक बार तो देखो ट्रायंगल डी ई ए इक्वल है ए एफ डी में, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं भाई, ठीक है, यानी एक तो ये और एक ये दोनों 90 डिग्री के हैं, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कोंगुएंट प्रूव करेंगे, तो ये दोनों 90 डिग्री के हैं, और दूसरा एंगल देखो ई ए डी, ई ए डी और एंगल ए डी एफ, ई ए डी और ए डी एफ, ई ए डी और ए डी एफ दोनों इक्वल होंगे, क्यों, देखो दोनों 90 डिग्री है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं ए ई पैरेलल है डी एफ के, इसलिए, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए, दो चीजें इक्वल आ गई, एक 90 डिग्री आ गई और एक ये दो एंगल इक्वल आ गए, और एक ए डी साइड है वो इक्वल है ए डी साइड के, ये कॉमन साइड है दोनों में, दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है, तो ये कॉमन साइड होगी, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी भी आपस में, ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई ए इक्वल आ गया डी एफ के, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी ना, तो ई ए जो है ना ये वाला, ये वाली साइड, ठीक है, किसके इक्वल आ गई, इस वाली साइड के, और ये रिजल्ट हो गया हमारा फिफ्थ, ठीक है, ये रिजल्ट हो गया फिफ्थ जिसका हम यूज करेंगे। अब देखो, अब हम हमारा लास्ट स्टेप आ गया, स्टेप नंबर फोर, ठीक है, स्टेप नंबर फोर। अब इसमें क्या करेंगे, हमारी जो ऐड कर देंगे, ठीक है, एक तो इक्वेशन कौन सी, सेकंड, और एक कर देंगे थर्ड, सेकंड और फोर्थ, ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर देंगे, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को। तो देखो भाई, सेकंड और फोर्थ को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये रहा ए सी और ये रहा बी डी, इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, तो ये सारी वैल्यू, यानी ये वाली, ठीक है, ये कागे इक्वेशन सेकंड ईयरिंग, ठीक है, यानी ये रड्डी बी, ये वैल्यूज और ये वाली वैल्यू सारी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो हम करते हैं भाई, पहले डी ए स्क्वायर, फिर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस टू ई ए इंटू ए बी, फिर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस टू डी सी इंटू एफ डी, हो गया भाई। अब देखो सारे ऐड कर दिए हमने, अब हमें देखो क्या करना था, हमें बनाना था कि भाई जो ये है ना, ये डायग्राम दिया, इसके जो डायगोनल का स्क्वायर है वो इसकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो हमें सारी साइड चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, हम सारी साइड्स कैसे करेंगे, तो देखो अब ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर तो है ही हमारा, इधर तो हो गया डायगनल, अब रह गया ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें हमें सारी साइड बनानी है, ठीक है। तो देखो भाई, हम डी ए है ना, डी ए को बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, देखो डी ए
और बी सी पैरलोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो डी ए को हमने किस में चेंज कर दिया, बी सी स्क्वायर में। ठीक है, ये याद रखना भाई, डी ए को हमने चेंज किया बी सी स्क्वायर में। ठीक है, फिर उसके बाद ए बी स्क्वायर ऐसे कैसा लिख दिया। अब देखो हमारी कितनी साइड आ गई, बी सी हो गई और ए बी हो गई। ठीक है, अब सी डी और ए डी चाहिए, तो ए डी एरी प्लस ए डी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर हो गई सारी। अब इसको और इसको देखो भी, इसको चेंज करेंगे, ये हमने लिख दिया प्लस टू ई ए इंटू ए बी। ठीक है, और माइनस टू, अब देखो यहां पे जो डी सी है ना हमारा, डी सी और एफ डी, डी सी और एफ डी को हम चेंज कर देंगे। देखो एफ डी तो ये रहा हमारा, एफ डी की जगह हम क्या लिख देंगे ए ई। ठीक है, और डी सी की जगह क्या लिखेंगे हम, डी सी की जगह हम लिखेंगे कहां गया, डीसी की जगह लिखेंगे ए बी, ये डीसी और ये ए बी। देखो भाई, तो ए बी और एफ डी की जगह लिख दिया हमने ई ए। ठीक है, जो सी डी है ना भाई, सी डी देखो ये रही, ये और ये इक्वल है, तो सी डी की जगह ये लिख दिया और एफ डी की जगह ई ए ये लिख दिया। अब ये देखो दोनों एक जैसे हो गए। ठीक है, ए बी ई ए ई ए ये आपस में कट गए। अब बाकी देखो क्या बच गया, अब पहले कौन सी भी एक साइड से स्टार्ट कर दो, यहां से कर दो ए बी स्क्वायर, ये रहा तो ए बी स्क्वायर। ठीक है, फिर ए बी स्क्वायर हो गया, अब बी सी स्क्वायर, बी सी देखो है इसमें, बी सी नहीं है या सी बी, ये रहा सॉरी ए बी ये हो गया। ठीक है, और फिर हमने लिख दिया बी सी स्क्वायर, बी सी हो गया। अब सी डी, सी डी कहाँ है, ये रहा प्लस सी डी स्क्वायर, फिर ए डी प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, और ये कट गया, और इस साइड में क्या रह गया, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये आ गया हमारा सिक्स का रिजल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब देखो ये चेंज किया था, ए बी स्क्वायर इधर लिख दिया, बी सी स्क्वायर इधर, फिर सी डी स्क्वायर, फिर ए डी स्क्वायर, यही चारों साइड का स्क्वायर इक्वल आ गया हमारा इसके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सिक्स था, इसको भाई दो बार तीन बार अपने आप करके देखना जब समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ, टफ नहीं है, थोड़ा ज्यादा लंबा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं नेक्स्ट। देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेवंथ, इन फिगर टू कोर्ड्स ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी दो कोर्ड है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी, पी पर काट रहे हैं, तो प्रूव क्या करना है, ए पी सी और डी पी बी, ए पी सी और डी पी बी, ये और ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो देखो भाई कैसे होंगी, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, और अगर हम किसी भी साइड में एक लाइन बना देते हैं या सेगमेंट बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो सर्कल के अंदर सेम सेगमेंट पे जो ये एंगल बनते हैं, देखो इस सेगमेंट पे एक इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल बन गया और इसी सेगमेंट पे इस ट्रायंगल में एक ये वाला एंगल बन गया, ये एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एक तो एंगल हो गया, हम इसको वन मान लेते हैं, इसको टू, एंगल वन आ गया इक्वल टू एंगल टू के, और दूसरा क्या हो गया, एंगल ए आ गया इक्वल टू एंगल डी के। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल डी पी बी के, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। फिर सेकंड बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अब देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, तो सिमिलर हो गई तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए पी अपॉन डी पी और इक्वल टू सी पी अपॉन बी पी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ए पी इंटू बी पी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेवंथ। अब क्वेश्चन नंबर एट देखो, देखो भाई क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.62, ये फिगर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में 6.62, टू कोर्ड्स ए बी एंड सी डी, एक तो ए बी है और एक सी डी है, बोल रहा है टू कोर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट पी, पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कब, व्हेन प्रोड्यूस, जब उन्हें प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो बाहर जाके कट करेंगे आउटसाइड द सर्कल, तो हमें प्रूव करना है पी ए सी, यानी पी ए सी ये वाली ट्रायंगल, और ये सिमिलर होगी पी डी बी के, पी डी बी के बड़े वाली ट्रायंगल के। ठीक है, तो देखो भाई बिल्कुल सिंपल है, एंगल पी, एंगल पी देखो, एंगल पी दोनों में है कॉमन एंगल, एंगल पी इक्वल टू एंगल पी कॉमन एंगल। ठीक है, और दूसरा है एंगल पी ए सी इक्वल है एंगल पी डी बी के।
अब देखो पी ए सी ये वाला, ठीक है, और किसके इक्वल है, पी डी बी के, तो पी डी बी ये वाला एंगल। ये क्यों इक्वल है भाई, देखो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल के अंदर, क्या होती है बोला, एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं ना क्वाड्रिलेटरल के, साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है, इसका जो कौन सा एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, ये इसके इक्वल अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। जैसे मान लो ये एंगल है, तो ये वाला जो एंगल है ना इसका अपोजिट, तो इसका बाहर का एंगल और ये इक्वल होंगे, ठीक है, तो ये एंगल क्या होंगे, इक्वल। ये किसमें होता है, सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो एक एंगल ये हो गया, तो दो एंगल हो गए, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है, ट्रायंगल दोनों सिमिलर होगी, कौन कौन से ट्रायंगल, पी ए सी और सिमिलर होगी ट्रायंगल पी बी डी के, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। अब देखो क्योंकि ये सिमिलर होगी तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, पी ए अपॉन पी डी इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और तीसरा साइड क्या हो जाएगा, पी सी अपॉन पी बी, ठीक है, तब हम इसमें से कोई भी रिजल्ट ले सकते हैं, पी ए अपॉन पी डी, ठीक है, सॉरी पी ए अपॉन पी डी और पी सी अपॉन पी बी लिख सकते हैं, पी ए अपॉन पी डी, ठीक है, और फिर पी सी अपॉन पी बी लिख सकते हैं। अब इसको हम चेंज कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पी ए इंटू पी बी इजिकल टू पी सी इंटू पी डी, ये आ गया भाई, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 9 में भाई हम काफी बार सोल्व कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। देखो इसमें बोल रहा है फिगर डी है जो पॉइंट ऑन साइड बी सी, बी सी जो साइड है इस पे एक पॉइंट है डी, ठीक है, और ये ट्रायंगल है ए बी सी, और इस तरह से है कि बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी इक्वल है ए बी अपॉन ए सी के, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो भाई हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं भाई, ठीक है, क्या कर लेते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं, ये कहां तक बढ़ा ले, इसके एक पैरेलल लाइन बना दी हमने ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है, ये हो गया हमारा P और ये C A B C था, ठीक है, D है। मैं देखो इसको समझाने के लिए इसको 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं, इसको 4 और इसको 3, ठीक है, हम इस तरह के काफी बार सोल्व कर चुके हैं जिसमें हम इन दोनों साइड्स को इक्वल दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखो भाई मैं सीधा सीधा बता देता हूं, अगर पहले तो हम इनको मतलब ये मिड पॉइंट थ्योरम से यूज करेंगे, तो बी डी अपॉन सी डी और इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं, बी डी अपॉन सी डी, ठीक है, और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, ए सी क्यों, क्योंकि ये दोनों सिमिलर आ जाती हैं भाई, मतलब ये साइड हमने पहले भी करा है ये क्वेश्चन, ठीक है, 3 बार कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, तो इसलिए मैं टाइम बचाऊंगा। तो और ये दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं, तो ये वाली साइड आती है, इसकी जगह हम ये वाली रख लेते हैं ए सी, ठीक है। अब हम इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन सी डी और ए बी को चेंज कर देंगे हम ए पी में, ए पी अपॉन ए सी, ठीक है, ए बी को किस में चेंज कर देंगे, ए पी में, ये और ये, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है सारा। क्यों, ए डी जो है वो पैरेलल है पी सी के, ठीक है, और पैरेलल है तो सारा सिस्टम ही समझ में आ गया हमारे को। देखो एंगल 1, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे, ठीक है, 1 और 3 इक्वल होंगे और 2 और 4 इक्वल होंगे, ठीक है, तो 1 एंगल इक्वल होगा 3 के और 2 एंगल इक्वल होगा 4 के, ठीक है, और एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के, ठीक है, तो सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे आपस में, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, इक्वल हो जाएगा 3 के, इक्वल हो जाएगा 4 के, ठीक है। तो हम अब यहां से कोई भी एंगल ले सकते हैं, एंगल 1 और 2 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से आप अपने आप करो, मैंने ओवरऑल समझा दिया, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नजीमा इज फ्लाइंग फिशिंग इन ए स्ट्रीम, तो नजीमा है ना वो एक नदी की धारा में मछलियां पकड़ रही है भाई, द टिप ऑफ हर फिशिंग रोड इज 1.8 मीटर द सरफेस ऑफ द वाटर एंड फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑफ द वाटर 3.6 मीटर अवे एंड 2.4 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द
रोड। अब वो क्या बोल रहा है भाई, उसकी जो मछली पकड़ने वाली छड़ है ना, उसका सिरा पानी की सतह से 1.8 यानी 1.8 मीटर ऊपर है, तथा जो रस्सी है ना उसका नीचे वाला सिरा है जो उसमें कांटा लगा हुआ है वो सतह से इतनी दूर है कि 3.6 मीटर की डिस्टेंस बन रही है टोटल। ठीक है, यानी ये मान लो यहां से यहां तक 3.6 मीटर की डिस्टेंस बन रही है, यहां से वो बैठी हुई है। अगर आप फोटो देखोगे तो आपको पता चलेगा वो इस साइड में बैठी हुई है कहीं, और यहां से उसकी रस्सी बंधी हुई है, ये रस्सी नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये 3.6। ठीक है, और बोल रहा है जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है ना वो कितनी है, 2.4। तो मतलब 3.6 आगे तक है, यहां तक है 3.6 जिसमें 1.2 है, और यहां तक है 2.4। ठीक है, 3.6 यहां तक है और आगे तक जा रही है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि भाई यह बताओ, वो रस्सी जो है वो बिल्कुल टाइट है, हाउ मच स्ट्रिंग डज सी हैव आउट इफ सी पुल इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड। तो वो बोल रहा है कि भाई मान लो कि उसकी डोरी बिल्कुल तनी हुई है, ठीक है, टाइट है, तो कितनी डोरी वो बाहर निकाल, मतलब कितनी डोरी वो बाहर निकालेगा जब वो छड़ से, मतलब छड़ के पास आ जाए ऊपर के हिस्से के पास। ठीक है, तो बोल रहा है वो अगर उसकी जो स्पीड है ना वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो खींच रहा है, तो 12 सेकंड में वो कितनी दूर पे आ जाएगी, वो रस्सी कितनी दूर पे आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा पूछ रहा है भाई। देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, ठीक है, हम एबीसी ट्रायंगल लेंगे, एबीसी ये ट्रायंगल ले ली, ये हमारी कितनी दी हुई है 2.4, और ये जो है ना बिल्कुल उस टिप पे ये कितनी है 1.8। तो हम पहले तो पाइथागोरस से ये वाली निकाल लेंगे, ठीक है, ये 2.4 है, ये 1.8 है। ठीक है, टोटल 3.6 थी जो जो मतलब वो जो उसने ऐसे रस्सी पकड़ी हुई है भाई। ठीक है, ऐसे रस्सी पकड़ी हुई है, तो यहां से और जो ये डिस्टेंस है 1.8 है, और ये यहां से बिल्कुल इसके नीचे 2.4 है, और आगे की कितनी है 1.2, क्योंकि टोटल 3.6 है। तो अब हम पाइथागोरस से ये वाली निकालेंगे, तो ये वाली हमारी आ जाएगी 3। पाइथागोरस से निकालेंगे तो एसी कितनी आ जाएगी, 3। तो अब हम देखो भाई एसी से आगे करते हैं, एसी हमने निकाल ली 3, तो अब वो क्या बोल रहा है, अगर जो रस्सी है ना उसको खींचने की स्पीड कितनी है, उसको खींचने की स्पीड है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उसने 5 सेंटीमीटर कितना है, 1 सेकंड में। ठीक है, तो टोटल वो कितने सेकंड तक खींचा उसने, 12 सेकंड तक, तो 12 सेकंड तक कितना हो गया, 12 × 5 कितना हो गया, 0.6 मतलब 60 सेंटीमीटर, 12×5=60 हो गया, तो 60 सेंटीमीटर उसने खींची। अगर मीटर में निकालेंगे तो 0.6 मीटर उसने खींची, ठीक है, 12 मिनट में। अब एडी जो है, एडी ये वाली और निकालनी है हमें, ठीक है, तो एडी कैसे निकालेंगे भाई, तो एडी हो जाएगी हमारी एसी माइनस जो उसने डिस्टेंस कवर करी है 0.6 मीटर। ठीक है भाई, एसी और माइनस मतलब यहां से जितने भी दूरी उसने कवर की, तो एसी कितनी होगी हमारी, एसी हमने निकाली थी 3 में से हमने 0.6 माइनस कर दी, तो कितनी बच गई, 2.4 मीटर। तो ये कितनी आ गई हमारी, 2.4 मीटर। ठीक है, यानी टोटल में से उसने 0.6 माइनस करी, तो ये हमारी जो है ये आ गई 2.4 सेंटीमीटर, 4 मीटर। अब हम देखो ट्रायंगल ए डी बी में, ठीक है, ए डी बी में निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कितनी कितनी वैल्यू हो जाएगी, ए बी की कितनी है अपनी 1.8 इसका स्क्वायर, प्लस बी डी की कितनी है, बी डी हमें निकालनी है, और ए डी की कितनी है 2.4 इसका स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 5.76, और 1.8 का करेंगे तो 3.24, तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 2.52 बी डी की वैल्यू। ठीक है, ये मैंने निकाल के रख ली थी भाई पहले, 2.52 आ जाएगी। ठीक है, अब जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो बी डी होगी और प्लस ये, ठीक है, कितनी दूरी रहेगी, यानी बी डी तो यहाँ पे आ गया था अभी वो कांटा जो था अपना, ठीक है, 0.6 माइनस करने के बाद, अब ये और प्लस 1.2 यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, तो बी डी प्लस 1.2, तो बी डी कितनी आ गई थी अपनी, बी डी आ गई थी हमारी ये
ये बी डी का स्क्वायर था ना, ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1.587, ठीक है, यानी बी डी की वैल्यू आ जाएगी 1.587। अब 1.587 प्लस 1. तो ये आ जाएगी 2.7, ठीक है, अप्रोक्सीमेट में ले लेना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और ये आपका ट्रायंगल का ऑप्शनल चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।